हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, BTS मेंबर एक बहुत ही पॉपुलर K-pop बॉय बैंड है और जिसे लोग बैंगटन फॉय के नाम से भी जानते हैं। और BTS मेंबर के आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं और BTS आर्मी BTS मेंबर को हमेशा खुश करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है और BTS मेंबर को हमेशा ही नए नए तरीकों से इम्प्रेस भी करती रहती है। लेकिन फैंस की दीवानगी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक BTS आर्मी से सत्संग कब और कैसे बन जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता और कई बार वो BTS मेंबर को परेशान करते हैं तो कभी उनका पीछा करते हैं और कई बार ऐसे सत्संग को भी देखा गया जो कि BTS मेंबर का पीछा करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि एक बार जंगकुक के पीछे एक सत्संग पड़ गई थी जो दिन रात जंगकुक का पीछा करती थी और इस सत्संग की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका थेरेपी ट्रीटमेंट भी कराना पड़ा था। और इसी तरह एक सत्संग ने जिमिन का भी नंबर लीक कर दिया था। अगर आप भी जिमिन और जंगकुक के सत्संग वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिंक को ऐड कर दिया है, आप वहां से वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां BTS मेंबर के सत्संग होते हैं तो वहीं कुछ आर्मीज ऐसे भी होते हैं जो BTS मेंबर के सामने अपने लव को बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, जहां BTS मेंबर से रिलेटेड हमेशा ही उनकी डेटिंग लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर बहुत सी न्यूज आर्टिकल्स वायरल होती है और वहीं न्यूज आर्टिकल्स में ये न्यूज वायरल हो रही है कि BTS जंगकुक रिलेशनशिप में है और उस लड़की ने जंगकुक को पब्लिकली मैरिज के लिए प्रपोज भी किया है और इतना ही नहीं उन्हें हग भी किया है। और इस न्यूज के वायरल होने के बाद आर्मीज के बीच इस बात को जानने की एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है कि क्या सच में जंगकुक रिलेशनशिप में है और किस लड़की ने जंगकुक को पब्लिकली मैरिज के लिए प्रपोजल देकर हग किया है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जंगकुक का बर्थडे बीता है जो कि 1 सितंबर को था और दुनिया भर में जंगकुक के बर्थडे को बहुत ही यूनिक तरीके से भी मनाया गया है और जिससे रिलेटेड सारी बातों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ही था। और जैसा कि इस बार जंगकुक के बीते बर्थडे पर करोड़ों आर्मीज ने अपने स्पेशल गिफ्ट को जंगकुक तक पहुंचाने की कोशिश की है और फिर चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, इस बार जंगकुक के इस बर्थडे पर ना जाने कितनी आर्मीज ने उन्हें मैरिज प्रपोजल भी दिया है। और ऐसे ही एक इंसिडेंट देखने को भी मिला है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है और लोगों के बीच गॉसिप का रीजन भी बना हुआ है। और इसको कोरिया का नहीं, इनफैक्ट अमेरिका के एक कॉन्टिनेंट मैक्सिको के सिटी ऑफ मॉनेटरी का बताया जा रहा है और इसमें एक कोरियन नहीं बल्कि एक अमेरिकन लड़की को देखा जा सकता है। और इस वीडियो को टिकटॉक जैसे फेमस सोशल मीडिया ऐप पर पोस्ट किया गया था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस अमेरिकन लड़की ने किस तरह जंगकुक को पब्लिकली प्रपोज किया तो जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की जंगकुक को बहुत ही प्यार से पब्लिक के बीच में अपने नी पर बैठ कर जंगकुक को मैरिज के लिए प्रपोज कर रही है। और इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने ये पूछा है कि ये हल्के डेनिम पैंट और ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ कैप लगाए हुई लड़की कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस लड़की की आइडेंटिटी अभी तक किसी को भी पता नहीं चली है और इस लड़की ने भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए ही शायद पूरी तरीके से अपने फेस को भी ढकने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, उसने अपने फेस को छुपाने के लिए मास्क भी लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उस लड़के ने जंगकुक को किस तरह पब्लिकली प्रपोज किया और उसके प्रपोज करने के दौरान वहां पर वो लड़की अकेले नहीं थी, इनफैक्ट वहां पर एक उसके साथ लड़का भी था जो गिटार बजा रहा था और बहुत ही रोमांटिक वे में सॉन्ग भी गा रहा था और पीछे से उनकी फ्रेंड उन्हें चीयर अप भी कर रही थी। और इसी बीच वहां से गुजरने वाले लोग थे जो वहां रुक करके क्यूट सीन को देखने लगे
और कुछ लोग वहां ऐसे भी थे जो इस सीन को देखकर अपने मोबाइल में कैप्चर भी कर रहे थे। और अब ये वीडियो टिकटॉक पर ट्रेंड कर रही है और बहुत से लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस लड़की ने जंगकुक को नहीं बल्कि कार्डबोर्ड पर बने जंगकुक के कटआउट को मैरिज प्रपोजल दिया है। पर कुछ लोगों ने इस न्यूज को पढ़कर ये र्यूमर वायरल कर दिया कि किसी लड़की ने जंगकुक को ही मैरिज प्रपोजल दे दिया। लेकिन फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरह र्यूमर है। आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जहां दुनिया में लोग BTS मेंबर को इतना पसंद करते हैं और जंगकुक को उनके बर्थडे पर इतने सारे मैरिज प्रपोजल भी मिले, वहीं जंगकुक ने एक और जगह जीत हासिल करके लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। और जंगकुक इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार जंगकुक ने एक ऐसी जगह जीत हासिल की है जहां उनके कंपटीटर कोई छोटे मोटे इंसान नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप सिंगर्स थे। तो फ्रेंड्स, वह ये है कि ओडिसी पर आर्टिस्ट ऑफ द समर 2022 की वोटिंग हाल ही में हुई है और इसकी वोटिंग इंस्टाग्राम स्टोरी और ट्विटर हैशटैग पर पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। और ये वोटिंग 5 राउंड की हुई जिसमें जंगकुक ने अपने हार्ड वर्क से इस कंपटीशन में आर्टिस्ट ऑफ द समर 2022 का टाइटल जीता और इस जीत से उन्होंने दुनिया भर में अपने टैलेंट को इंट्रोड्यूस करा। और ये कंपटीशन उनके लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि इसमें सिर्फ कोरियन सिंगर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप सिंगर्स जैसे बिली एलिश, चार्ली पूथ, BTS वी, BTS जिमिन और साथ ही बहुत सारे अमेरिकन ग्रुप और सोलिस्ट सिंगर उनके कंपटीटर थे। लेकिन जंगकुक के टैलेंट के बारे में क्या कहा जाए, उन्होंने अपने इस टैलेंट से इतने सारे बड़े बड़े कंपटीटर को भी हरा दिया और 2022 के आर्टिस्ट ऑफ द समर बन गए। और पिछले ईयर आर्टिस्ट ऑफ द समर 2021 का ये टाइटल हैरी स्टाइल ने जीता था, लेकिन इस बार जंगकुक के इस जीत से फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और जंगकुक के इतनी बड़ी जीत के बाद जंगकुक से रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए जाने लगे, जैसे जंगकुक आर्टिस्ट ऑफ द समर, किंग जंगकुक, जियोन जंगकुक और भी जंगकुक से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड। इस न्यूज के आने के बाद जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश हैं और अपने इस खुशी को आर्मीज के साथ शेयर करने के लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस न्यूज से रिलेटेड फोटो को भी पोस्ट किया है और अपने आर्मीज को इस पोस्ट के थ्रू थैंक्स बोला है। और उन्होंने अपने पोस्ट में थैंक यू को कोरियन वर्ड में लिखा है। और इतना ही नहीं, ऑडियंस ने भी अपने इंस्टाग्राम पर जंगकुक के इस फोटो को पर्पल हर्ट के साथ पोस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आपको जंगकुक से रिलेटेड इन सब बातों को जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।